डियर स्टूडेंट्स, हमें नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 एक क्वेश्चन नंबर 3 तक आपने सॉल्व किए क्वेश्चन, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंड सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन साइज क्वेश्चन 3 के और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें आपको करना है डिसेंडिंग ऑर्डर्स। मैं लास्ट वीडियो में भी समझा था डिसेंडिंग ऑर्डर होता है आपका डाउन, यानी ग्रेटर से स्मॉल, उससे भी स्मॉल, उससे भी स्मॉल। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है आपका -5.12 -7.6 3 -8 -11 7। सबसे पहले हमने क्या बताया है, करना है मैचिंग द डिनोमिनेटर पॉजिटिव विषय, हम पॉजिटिव कर लेंगे, यानी कि ये सिर्फ मार्क्स का ही है, डेरिवेटिव नीचे वाला होता है, बताया हम इसको लेंगे -5.12 -7.6 -3.8 -11.7। ओके, तो फर्स्ट क्या करना है, मैंने आपको बताया है, सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम। ऐसे किस किस का लेंगे, ये देखो ऐसे लेना है 12 6 8 and 7। 2 से डिवाइड करेंगे 2 6 2 3 2 4 7, 2 2 3 and 2 2 7, 3 1 7। 3 से करेंगे अब 3 1 1 1 7, अब 7 से 3 1 1 1 1। ओके, यहां लिखेंगे हम एलसीएम ऑफ 12 6 8 7। क्या है हम देखते हैं, क्या है 2 × 2 × 3 × 7, 2 × 4 4 × 8 8 × 24 24 × 7 7 × 7 28 7 × 2 14 14 × 2 16 168। कितना आया 24 7 × 7 आपका आता है 168। कितना आता 168। ओके, तो फर्स्ट लेते हैं हम क्या है आपका -5.12, क्या है -12 एलसीएम में, एलसीएम क्या आया था आपका 168। एलसीएम में 12 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 × 2 12 × 12 4 48 12 4 48, यही आएगा ना 14। क्या आया 14। हम क्या करेंगे -5 × 14 × 12 × 14 = -70/168। ओके, तो इसको नोट करें, अब इसको मैं क्लियर करता हूँ व्हाइट बोर्ड को, आगे बताता हूँ। नेक्स्ट आपका क्या है -7/6, तो
हमारा कितना था 168 एलसीएम था, इसको डिवाइड करेंगे हम 6 से, तो 6 2 जा 12, 4 और 6 8 जा 48, क्या आया सीधे 28 आया। तो हम माइनस 7 मल्टीप्लाई 28 एंड 6 मल्टीप्लाई 28 इज इक्वल टू 7 8 जा 56, 7 2 जा 14 एंड 5 196 माइनस 196 अपॉन 168 7 8 जा 56, 7 जा 14, 5 कैरी 19, तो माइनस 196 अपॉन 168। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या है, माइनस 3 अपॉन 8, क्या करेंगे हम 8 का डिवाइड इसमें करेंगे जो आपका एलसीएम है 168 डिवाइड 8, 8 2 जा 16 और 8 1 जा 8, क्या हुआ 21। माइनस 3 मल्टीप्लाई 21 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 21, क्या आएगा माइनस 63 अपॉन 168। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका माइनस 11 अपॉन 7, माइनस 11 अपॉन 7 क्या करेंगे 168 का सीट में 7 डिवाइड करेंगे, 7 टू जा 14, 7 फोर जा 28, क्या आएगा 24। तो माइनस 11 मल्टीप्लाई 24 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 24, समझ में आएगा क्या आएगा 11 फोर 44, 11 22 और 4 26, ये होगा ना 168। तो इनको क्या लिखते हैं, इनको लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। मैंने क्या बताया जो माइनस का लेफ्ट में सब होगा ज्यादा लेफ्ट में होगा वो सबसे स्मॉल होगा, और असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं सबसे ग्रेटर वाला पहले लेते हैं। तो कौन सा है माइनस 11 अपॉन माइनस 11 अपॉन 7, उसके बाद आपका आएगा माइनस 63 अपॉन 63 मैंने ये निकाला था, आपका आया था माइनस 70 अपॉन 168, तो माइनस 63 168 माइनस 70 168 एंड माइनस 196 168 एंड माइनस 264 168। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में चेक कर लेते हैं ये किस किस के मान से कर रहे हो। तो हम देखते हैं 63 किस पर है, ये माइनस 3 अपॉन 8, माइनस 3 अपॉन 8 ये क्लियर। उसके बाद क्या है 70, 70 यहां था हमारा माइनस 5 अपॉन 12, माइनस 5 अपॉन 12, उसके बाद ये क्लियर 1 माइनस 196 किस पर है माइनस 7 अपॉन 6 एंड उसके बाद क्या है माइनस 11 अपॉन 7, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन हो गया सेकंड पार्ट जो है माइनस 13 अपॉन 5 माइनस 2 एंड 7 अपॉन माइनस 3 और 2 अपॉन 3,
उसको सॉल्व करना है जो मेरा क्वेश्चन फर्स्ट जो अब सॉल्व किया है राइट बोर्ड पर। ओके इसको नोट करो, ऑप्शन फाइव पे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है हमें यूज करेक्ट सिक आपका स्मॉल और बिग ग्रेटर ये सिंबल्स इसमें बनने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे माइनस टू अपॉन थर्टीन इसको भी माइनस अपॉन सेवनटीन इसमें क्या करेंगे सब हम एलसीएम ले लेंगे एलसीएम ऑफ थर्टीन एंड सेवन इस क्या होगा तो सीधे हो जाएगा क्यों हो जाएगा 37 जो 91 तो ऐसे कितना आया आपको 91। फर्स्ट इसको लेते हैं 30 तो 91 को 30 से डिवाइड करेंगे कितने बार टाइम लगेगा 7 तो माइनस 2 इनटू 7 30 इनटू 7 कितना आया माइनस 14 अपॉन 91 आपको क्या है माइनस थ्री अपॉन सेवन तो 91 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 13 तो माइनस 3 मल्टीप्लाई 13 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 13 क्या है आपका माइनस 39 अपॉन 91। अब आप देख सकते हैं माइनस 14 अपॉन 91 माइनस 39 अपॉन 91 तो इसमें ग्रेटर कौन सा है 14 है या 39 ग्रेटर ऑफ 14 है या 39 आपका 14 है क्यों क्योंकि तो हमने आपकी नंबर साइंस आपको बताई थी हम लेफ्ट में जाएंगे जितना उतना ही वो स्मॉल होगा तो फिर कौन सा बड़ा हुआ आपका ये कौन सा हुआ ये यानी कि ये सिंबल यहाँ ही रहेगा। ओके इसको नोट कर लो और अच्छे से ध्यान दे लो ऐसे नहीं लेना है आपको। अभी भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे इसका इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे बट आगे आपको समय आपको प्रॉब्लम आ जाएगी इसलिए एलसीएम के लिए द्वारा समझाया गया आपको। इसको नोट करो नोटबुक पे और मैं क्वेश्चन कुछ लिखता हूँ उसमें उनको भी लिखना होमवर्क के लिए। तो मैंने क्वेश्चन नंबर फाइव का फर्स्ट वाला बताया था उसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको देखो कुछ नया है जीरो एक है माइनस टू अपॉन माइनस थ्री कुछ नया तो है ही है ना तो इसको कहाँ पहुंच जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा तो माइनस कैंसिल हो जाएंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा तो आपको सिंपल तरीका है पॉजिटिव जीरो से बड़ा होता है ग्रेटर होता है अगर नेगेटिव होता सिंपल तो जीरो से स्मॉल होता है छोटा होता है। इन क्वेश्चनों को उतारो ऑप्शन नंबर 6 को पढ़ाते हैं। यानी 5 रैशनल नंबर्स व्हिच आर स्मॉलर देन -1 यानी कि आपके -1 से छोटे रैशनल नंबर होने चाहिए 5 तो कैसे करेंगे तो एक नंबर लाइन खींचेंगे हम सबसे पहले क्या खींचेंगे नंबर लाइन एक है जीरो अब स्मॉलर कौन से होते हैं स्मॉलर छोटे होंगे ना इससे माइनस वन से माइनस वन छोटे होंगे हम ये माइनस वन ले लेते हैं क्या ले लेते हैं माइनस वन ये माइनस टू क्या होंगे माइनस टू ले लो अब माइनस वन से हम स्मॉल ले जाएंगे तो हम लेफ्ट लेना पड़ेगा ना लेफ्ट लेना पड़ेगा तो माइनस वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन वन अपॉन थ्री तो क्या है ये आपका
आपके नंबर से क्यों क्यों हम इसका डिवाइड करेंगे तो माइनस वन से प्लस कुछ आएगा। हम इसका डिवाइड करेंगे टू का थ्री में डिवाइड करेंगे वन पॉइंट फाइव आएगा ना, वन पॉइंट फाइव आएगा तो वो माइनस वन से ग्रेटर होता है, जो ग्रेटर होता है माइनस में वही छोटा होता है स्मॉलर होता है। ऐसे इसको है टू का जो करेंगे टू पॉइंट फाइव माइनस टू पॉइंट फाइव तो इसको टू पॉइंट फाइव जाएगा तो माइनस वन से स्मॉल होगा, क्योंकि जितना हम लेफ्ट जाएंगे उतना हमारा स्मॉल होगा। तो ये आपके फाइव नंबर्स हैं, कौन से नंबर है फाइव नंबर है ऐसे नंबर जो किससे माइनस वन से स्मॉलर है। ओके इस टाइप से करने हैं आपको, जितना बड़ा जाएगा वो माइनस वन से स्मॉल होगा। ये क्वेश्चन आप क्या बोला है राइट एनी फाइव ऐसे नंबर विच आर ग्रेटर देन माइनस थ्री अपॉइंट टू, यानी कि इनसे बड़े होने चाहिए। तो हर थ्री अपॉइंट टू कहाँ रहा है ये, तो ग्रेटर नंबर सम बनाएंगे तो माइनस वन। ओके हम इसको जीरो लिख सकते, जीरो को भी लिख सकते हैं वन, थ्री, फोर, ये आपके जितने इधर से है ये लेफ्ट में राइट में जितने भी आपके नंबर्स होंगे क्या होंगे वो सब ग्रेटर होंगे इसके अपेक्षा माइनस थ्री अपॉन टू के अपेक्षा। लेफ्ट में जितने नंबर्स हैं आप कहीं से भी लिख सकते हैं, किसको भी ले सकते हैं, ये नहीं है कि आपको जो मैंने लिखा है यही आएगा, आप कोई से भी इधर आएंगे आपको माइनस वन से जीरो है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन जो भी है वो सब आपके ग्रेटर होंगे माइनस थ्री अपॉन टू के से हम कंपेयर करेंगे। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज आपकी खत्म होती है और जो भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस अपने आप से खुद करें और पेरेंट्स से करें और नहीं आता तो मुझे कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट भी करें। और इस जो वीडियो में हमने आपको समझाया है जिसके बारे में समझाया उसे अच्छी तरह से घर पे अगेन एंड अगेन बार बार उसको रिपीट करें जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें और आप इसको नोट में अच्छे से चेक करके देखें।